नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद के कटवारा क्षेत्र से है खबर, जहां पर प्रथम अरोरा प्रशिक्षण केंद्र के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अद्वितीय प्रतिभा के धनी व्यक्ति कार्य के प्रति लगन सिंह, शिक्षा की धारा को जन जन तक पहुँचाने का कार्य करने वाले गरीबों के हमदर्द वे सहारा, ओके सहारा कर्तव्य के प्रति निष्ठावान सौम्य स्वभाव के प्रति दीपक प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक परम आदरणीय डॉक्टर माधव चौहान और मातृशक्ति की प्रेरणा स्रोत परम सम्मानीय परम पूज्य महिलाओं को पूर्ण सहयोग दिलाने वाली, उनके हर कदम से कदम मिलाकर चलने वाली स्त्री पुरुष की समानता को बरकरार रखने वाली डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी एवं स्टेट हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड, जोनल हेड, डिवीजन हेड, तहसील हेड, ब्लॉक हेड, सेंटर हेड, शिक्षक गण तथा गणमान्य अतिथि, अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित हुए। इसी के साथ कार्य के सुजग प्रहरी संस्था के अंग परम सम्मानी सुशील पांडे जी और सुमित कुमार जी तथा डॉक्टर वी आर अम्बेडकर समाज उत्थान महासभा के संस्थापक योगेंद्र प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित हुए। इसी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाज उत्थान महासभा के संस्थापक योगेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि शिक्षक वह श्रेणी है जो दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कार्य के सिद्ध के लिए उपकरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती, पराक्रम होना चाहिए। शिक्षा ऐसा ही है जो रोजगार परक को, शिक्षा का उद्देश्य धन कमाना नहीं बल्कि मानव का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन एक भारत में ऐसी गैर सरकारी संस्था है जो भारत में नहीं बल्कि विश्व में एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है और शिक्षा के धारा निरंतर प्रयासरत होते हुए सफलता के दुर्ग तक पहुँच रही है, मानव और मानवता की मसाल कायम कर रही है। बता दें, चाहे स्त्री पुरुष की समानता हो या अन्य मुद्दे, स्त्री और पुरुष उड़ते हुए पक्षी के दो पंखों के समान हैं और सिक्के के दो पहलुओं के समान हैं। यदि उड़ते हुए पंछी के एक पर अगर काट दिया जाए तो वह उड़ नहीं सकता, ठीक उसी प्रकार सिक्के के यदि एक पहलू को मिटा दिया जाए तो सिक्का चल नहीं सकता। इसलिए स्त्री पुरुष की समानता सामान्य कार्य जमीनी धरातल पर उतरना बहुत ही आवश्यक है। अंत में उन्होंने कहा कि मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के संस्थापक के दो पंक्तियों से समर्पित हूँ। कहा कि जब तक है चांद सितारे तब तक है धरती अंबर, भारत रेडी रहेगा इसका अमर रहेंगे डॉक्टर माधव चौहान। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।